देवताओं की होली एवं नरसिंह भगवान का जन्म दिवस उत्सव धूमधाम से मनाया। बड़ी से खास खबर, गायत्री शक्ति पीठ में आज फूलों की होली एवं नरसिंह भगवान का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने मंदिर एवं समाज के लिए हर तरह से समर्पित रहने का सभी को आश्वासन दिया। विधायक मलिंगा ने मंदिर के प्रांगण की बड़ी छत का निर्माण करवाया है, जिसके लिए गायत्री परिवार के संयोजक प्रभाकर दीक्षित एवं सह संयोजक गोपेश राज पचौरी ने उनका आभार व्यक्त किया। प्रारंभ में गायत्री शक्ति पीठ के संरक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने विधायक मलिंगा द्वारा मां गायत्री एवं नरसिंह भगवान का पूजन करवाया, तत्पश्चात स्वागत किया गया। गायत्री शक्ति पीठ के संयोजक ने गायत्री परिवार द्वारा समय समय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विधायक द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने पर आभार व्यक्त किया। गायत्री शक्ति पीठ के कोषाध्यक्ष राधेश्याम गोयल ने कार्यक्रम आयोजन की व्यवस्थाओं को संभाला। द्वारका प्रसाद गोयल ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अरुण शुक्ला शक्तिपीठ के सह संयोजक गोपेश राज पचौरी, विशिष्ट अतिथियों में मुख्य वक्ता गोविंद सिंह मीणा, कवि सुरेंद्र सिंह परमार, एडवोकेट सत्यदेव चंसोरिया, वैद्य रमेश चंद शर्मा, डॉक्टर विनोद विक्रम चाचू, कवि राम वकील प्रताप, अध्यापक रामचरण प्रजापति, नरेंद्र मंगल, कवि राम अवतार शर्मा, श्रीमती रेखा शुक्ला सहित अनेक विद्वान जन इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत गायत्री परिजन महिला एवं पुरुषों ने फूलों की होली का आनंद उठाया। इससे पहले होली गीत एवं कविताएं प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन गायत्री परिजन विनोद गोयल ने किया। वैसे गोविंद जी के बच्चे मिली जाते उचाते कहीं ना कहीं बताते बिल्कुल ठीक है। एक एक तरीके से अब वो आप घूम फिर आप इतना समझे, बहुत से लोग तो ऐसे तो वहां से दो घंटे नहीं लगती है। लोगों को काफी लोगों को तेजी लगी कि कैसे आप 5 करोड़ वहाँ पे डिलीवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिलीवर को हमारे घर का नाम है हम लोग तो बाबा जी पैसा भी हमारे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर अगर हमें हेडपम्प लगवा के तो अपने पैसों से लगवानी पड़ती है, औरों के लिए जरूर लगा सकते हैं। वो पैसे है वो जनता के कार्य है, जनता का कार्य है। हम लोगों ने पहली की भगवान की कृपा थी, मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, MLA उन्होंने 5 करोड़ रुपये होने चाहिए, कैसे 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपये मिलते हैं। अगर किसी कहीं भी जाते हैं आपको 10-5 लाख रुपये तो हर जगह देने पड़ते हैं। अगर आप 10-5 लाख रुपये हर जगह देंगे, आज बाड़ी में 4500 नगरपालिका के बाट है, आम वार्ड नगर में जाने तो 5 लाख या 10 लाख रुपये से कम नहीं देंगे। तो एक साल का बजट भाग लो, अब करीब तो 58 पंचायत अगर गाँव ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत में करीब नहीं तो आपके छोटे और बड़े गाँव में लगा 8 से 10 लाख बजे जाता है। अगर गाँव गाँव में जाए तो गाँव में भी 10 लाख 5 लाख रुपये दें, जब भी कोई काम कराए पाएंगे 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये अगर आपको दें तो उससे कोई काम। हस्त चरण श्रवणत्वादि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं या देवी सर्वभूतेषु प्रेम मीरा की बीणा की झनकार है।